राम राम भाइयों, अनंत पल प्रधानी के लिए खड़ा है, सारा वोट मारे लिए आना चाहिए, ठीक है भाइयों? राम राम भाइयों, किसकी जीत की बात चल रही है, मन ने भी तो पता चले। और अनंत पाल, पंचायत समिति का चुनाव क्या जीत गया, तुझे क्या लगता है प्रधानी का चुनाव भी जीत जाएगा? आनंद पाल, प्रधानी के सपने मत देख, वरना चारों खाने चित कर दूंगा। चचा, थोड़ी तमीज से बात कर लो। घना तेज लग गया के, मारी तमीज तो जे ही है। बेटा, अभी अभी तू कॉलेज से निकला है, प्रधानी के चक्कर में मत पड़, नहीं तो तेरे नाम के आगे स्वर्गवास लिख जाएगा। चला टेकोर। चाचा, तारे को इतनी लापरवाही ना करनी चाहिए। आनंद पाल पागलों की तरह घूम रहा है। भाई साहब सही कह रहा है वो, अभी भी मौका है, गवाही देने से पलट जाओ, क्योंकि जान है तो जहान है। अरे आनंद पाल पागल हुआ घूम रहा है तो मैं क्या करूं? और ये है कौन आनंद पाल? तो तुम्हें क्या लगता है कल को लौंडा गोदारा को मारेगा? भाई साहब मेरे कहने का मतलब है सावधानी तो रखनी चाहिए। सावधानी? कैसी सावधानी? कल का पैदा हुआ लौंडा मुझे उससे ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। भाई साहब ये कल का लौंडा बहुत खतरनाक हो गया है। आज भी वो मेरे सामने मच्छर है, जब चाहे तब मसल लेंगे, साले का वजूद खत्म हो जाएगा। आनंद भाई इस खून खराबे में क्या रखता है, हम लोग आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। आनंद भाई मेरे से तुम दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें बादशाह बना दूंगा, बादशाह। मारा दुश्मन आज मारी दोस्ती को तरस है, मुझे गम देने वाला तू खुशी को तरस है। साला मारे को मास्टर बनाएगा, हम खुद अपनी महफिल के बादशाह हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है, अब आएगा जिंदगी जीने का मजा, दिन गुजरेगा पीने में और रात गुजरेगी जीने में। दोस्तों के लिए इतना कैसा ही पड़ता है, वरना रखा क्या है जिंदगी में। भाई कुछ ऐसा करो जिस पूरी दुनिया में नाम हो जाए, झंडे गड़ जाए। भाई तू चिंता मत कर, बहुत दिन जल जाएगा। भाई कुछ तो पिलाओ, गला बहुत तेजी से सूख रहा है। भाई जो लेना है सो ले जाके, अपना ही रेस्टोरेंट है। तुझे पता नहीं भाई साहब बैठे हैं। भाई साहब
कौन भाई साहब? मैं किसी भाई साहब को नहीं जानता। अबे तू है कौन? पहले तुझे कभी नहीं देखा। ऐसा नहीं यार, मुझे छोड़ गए, मैं उनका छोटा भाई हूँ। चल तू जा यहाँ से, तेरे भाई साहब से हिसाब कर लूंगा, निकल। भैया से हिसाब क्यों करे, मुझसे हिसाब करो, आ जाते हैं भोगड़ की दालों की। नहीं थारे को समझ में नहीं आ रही है, बोल दिया थारे भाई से बात कर लूंगा, निकल यहाँ से। मुझे नहीं पता, मुझे अभी के भी पैसे चाहिए। साले ने पूरी दारू का नशा बेकार कर दिया, अब दिल जो कह रहा है वो ही करना पड़ेगा। और भाई साहब क्या सोच रहे हो? सोच कुछ नहीं रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ। अरे भाई साहब आपने प्लानिंग की है तो ठीक ही की होगी, लेकिन फिर भी हमें भी तो पता चले प्लानिंग है क्या, क्या हम भी प्लानिंग में शामिल हैं? अरे भाई तेरे बगैर कैसी प्लानिंग, इस लाजू नाम के पेड़ को जड़ से काटना है, नहीं तो साला ये फिर निकल आएगा। अब उसकी जड़ ढूंढेंगे कहाँ भाई साहब? अरे तू भाई चिंता क्यों करता है, उसकी आधी जान ना उसके गुरु गोपाल में है, अगर वो रास्ते कट गया ना तो राजू भी रास्ते कट जाएगा। भाई साहब बताओ उस जड़ का करना क्या है? अब चलना है, उस जड़ का काम तमाम करना है। तो फिर चलो चलते हैं। चल भाई। ओए सुन। और आनंद भाई के हाल हैं? आज मन ने कैसे याद किया बताओ भाई, कोई बात है के? बात ये है कि जड़ खत्म करनी है। जड़ खत्म करनी क्या मतलब? मतलब ये है पेड़ काटो जड़ के साथ। मतलब क्या है, साफ साफ बोलना, तुम्हारा फिराकर क्यों बोल रहा है? तो सुन साफ बात ये है, तेरा वक्त खत्म, अब वक्त आनंद पाल का होवे। आनंद भाई, आनंद भाई, आनंद भाई, आनंद भाई, आनंद भाई।